दोस्तों, आज हम सर्दियों में स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसीम चौधरी, फाउंडर ऑफ होम्यो केयर क्लिनिक पुणे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, स्किन ड्राई होने लगी है, आपने गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया है, वार्मर स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है, पानी का इंटेक कम कर दिया है, फूड इंटेक बढ़ा दिया है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ा दिया है, जिससे स्किन ड्राई हो रही है। अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो स्किन में खुजली होगी, इचिंग होगी, स्किन झड़ने लगेगी, इसे ज़ेरोसिस कहते हैं। तो सर्दियों का लिफ्ट उठाना है तो आपको स्किन पर यह ध्यान रखना होगा। सबसे पहले गर्म पानी से नहीं नहाना है, गुनगुने लुकवॉर्म वाटर से नहाना है। अगर आपकी स्किन पहले से ही ड्राई है तो स्किन पे कोकोनट ऑयल, नारियल तेल पूरे बॉडी पे आप लगा सकते हो नहाने से 10 मिनट पहले, और फिर उससे नहा सकते हो, ताकि नहाते वक्त आपका जो ऊपरी सुपरफिशियल मॉइस्चराइज्ड लेयर जो है वो निकल जाए और नेचुरल मॉइस्चराइज वो मेंटेन रहे। नहाते वक्त स्ट्रॉन्ग हार्ड सोप से नहीं नहाना है, मॉइस्चराइज सोप या फिर बॉडी वॉश से नहाना है। नहाने के बाद बॉडी को रगड़ के या फिर टॉवेल से ज़्यादा रफली रब नहीं करना है, जस्ट उसे पैट करना है ताकि ऊपर लेयर मेंटेन रहे, मॉइस्चराइज मेंटेन रहे। नहाने के बाद तुरंत ही कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने पूरे बॉडी पे लगाना है। फेस पर मॉइस्चराइजर लगाने से पहले आपका स्किन किस टाइप का है, अगर ड्राई है तो उसके लिए मॉइस्चराइजर अलग यूज़ करना है, अगर ऑयली स्किन है तो थिन मॉइस्चराइजर यूज करना है। ड्यूरिंग ठंडी ठंड के सीजन में मॉइस्चराइजर अलग यूज करना है, और विंटर और गर्मियों के वक्त मॉइस्चराइजर क्रीम अलग यूज करना है। अगर आपके स्किन लिप्स ड्राई हो रहे हैं, लिप्स फट रहे हैं, तो आप दिन में 3 से 4 बार लिप बाम यूज कर सकते हो। पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, खाने में अमाइनो एसिड फैटी अमाइनो एसिड का इंटेक बढ़ाना है। वेजिटेरियंस के लिए कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश का इंटेक ज़्यादा करना है। अगर आपकी एड़िया फट रही है, एड़िया में दरारें पड़ रही है, क्रैक्स हो रही है, तो उस पर आप एक अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, या फिर नारियल तेल लगाकर आप सॉक्स या फिर कुछ अच्छे से लेग पे पैरों को कवर कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, तो स्वेटर, वार्मर, मफलर बॉडी पे रखना है ताकि स्किन पर ठंडी हवा का डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। ये सारी चीजें करेंगे तो आप आपकी स्किन की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी और मॉइस्चराइज रहेगी। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।